को चेताने और पाक के नापाक इरादे को नाकाम करने के लिए भारतीय नौसेना को मिली है नई ताकत। भारत ने K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में कैपेबल है। अरिहंत पनडुब्बी से लॉन्च कर इसका सफल परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि K4 मिसाइल और अरिहंत पनडुब्बी दोनों को भारत में ही विकसित किया गया है। K4 का रेंज 3500 किलोमीटर है। K4 मिसाइल का परीक्षण पिछले महीने गुप्त तरीके से किया गया है और DIDO ने इस पर आधिकारिक रूप से कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। हालांकि सूत्रों ने बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण बंगाल की खाड़ी में किया गया है। इसे पानी के 20 मीटर अंदर छोड़ा गया। K4 ने अपने लक्ष्य को भेदने से पहले 700 किलोमीटर की दूरी तय की। आपको बता दें कि इस दौरान 7 मार्च को इसकी एक डमी का भी नकली परीक्षण किया गया। इस मिसाइल और पनडुब्बी दोनों को DRDO ने विकसित किया है। K4 मिसाइल के सीरीज की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM है। इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इस मिसाइल को खास तौर से अरिहंत के लिए ही विकसित किया गया, क्योंकि दूसरा परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 3 इस पनडुब्बी के लिए सूटेबल नहीं है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने K4 के सफल परीक्षण को बड़ा कदम बताया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर की जानी चाहिए, तभी पनडुब्बी को हिंद महासागर में कहीं भी रखा जा सकेगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर K4 इतना खास और भारत के लिए इतना अहम क्यों है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है। इस मिसाइल को पानी के अंदर 20 फीट नीचे से भी फायर किया जा सकता है। अरिहंत सबमरीन में एक बार में 4 K4 मिसाइल लोड की जा सकती है। इस मिसाइल के साथ 2000 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जाया जा सकता है। DRDO के सीरीज की 3 मिसाइल विकसित करने की योजना बना रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के बाद भारत पानी के अंदर से मिसाइल दाग सकता है। K4 से भारत ने जमीन, हवा और पानी के अंदर से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग की ताकत हासिल की है। DRDO के ऑफिसर्स के मुताबिक अगले कुछ सालों में K4 आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सर्विस दे सकती है।